ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी सटे बोना गांव की रहवासी अंजू पाकिस्तान पहुंचकर अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह कर लिया है। इससे अंजू के परिवार वाले दुखी हैं। पिता गया प्रसाद ने मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि मेरी बेटी ने जो कृत्य किया है इसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उसकी नज़रों में वहाँ मर चुकी है। अंजू ने अपने दोनों बेटों बच्चों को छोड़ दिया है और पाकिस्तान चली गई। अब भारत लौट कर ना है और भारत सरकार से भी यही वापस लाने की गुहार नहीं लगाऊंगा। गया प्रसाद ने कहा यदि उसे जाना था तो पति से तलाक देती और परिवार को बताती। अब इन छोटे बच्चों को कौन संभालेगा? मैं अपने बिहार अचा लिया है, दूसरा धर्म भी बदल लिया, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी के लिए? इसके मामले में क्या कहेंगे? जो जो लड़की घर से बाहर चले गया एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। जो घर से पहले उसकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज की थी आपने? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। उस समय आपने धर्म परिवर्तन कर लिया था? ओहो, धर्म मेरा क्या रिएक्शन है? मेरा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। मेरा तो खत्म है मामला, हमारा तो शुरू से ही। जो इस तरीके से कदम उठा के घर से चले गया, शादी किया हुआ मेरे शादी को लड़के अच्छे दो बच्चे को छोड़ के गया है, पति को तो चले छोड़िए, जो जो बेटी अपने हाथ के बच्चों को छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? उसको अपने साथ कैसे हो सकता है हमारे साथ? ऊपर हो सकता है किसी तरह का दबाव हो या कोई, उसे अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। अगर उसने यही काम करना था तो पहले इधर सबको जैसे शादी किया वैसे डिवोर्स करता, उसके बाद में बोल देता मैं जा रहा हूँ, उसका पंदा कट गया था। सीधी सी बात है, अभी उस लड़के का भी ज़िंदगी ख़राब, हमारे दो बच्चों का भी ज़िंदगी ख़राब। जो उसके दो बच्चे हैं, एक 14 साल का, 13 साल का बेटी है, 5 साल का लड़का है, अभी उन बच्चों को पालने के लिए कौन कोई जिम्मेदार होगा उसका? कौन, वो लड़की जिम्मेदार होगा या जिसके साथ शादी किया वो जिम्मेदार होगा? है उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा ना। जी जी। अच्छा, एक पिता होने के नाते क्या कहेंगे आप? उस पर कोई दबाव? बेटी को वापस भारत? नो, मैं नो अपील करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, वही मरने दो। जी, जैसा आपने बताया कि उनके बच्चों को आप आगे संभालेंगे, देखेंगे, इसके बारे में क्या? संभाल लूंगा मैं क्या संभालूंगा? दाता देने वाला, दाता रखने वाला, वो सब ईश्वर करने वाला है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक माली हूँ। ठीक है सर। कहीं ना कहीं आप टेकनपुर में रहते हैं, लोग उससे भी जोड़ के देख रहे हैं, कहीं कोई और कोई सेन तो नहीं है, साजिश तो नहीं है कहीं पाकिस्तान की? यहाँ जैसे आप टेकनपुर में जॉब करते हैं, आपके परिवार के अभी? अरे टेकनपुर में मैं रहने वाला, घर का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। मेरे को 42 वर्ष हो गए, इसमें क्या साजिश है? लोगों को चिंता हो रही है। किसको चिंता हो रही है? बीएसएफ का हेडक्वार्टर है ये। हाँ जी, तो आप हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जॉब भी करते हैं, बेटी भी आ रही, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं कहीं ले जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी के चाचा भी बीएसएफ से? अरे तो बीएसएफ से वो अपनी नौकरी करते हैं, वो अंदर रहते हैं, हम वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, हमें क्या लेना देना उनसे? ये चिंता हो रही है सारी, तो सुरक्षा के लेकर भी काफी चल रही है क्योंकि मुझे तो लग रहा है आपको चिंता हो रही है, उनको तो नहीं हो रही, मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। हम भी देश के रहने वाले हैं। हाँ, तो आप भी देश के रहने वाले, तो ये बात सुरक्षा तो हमें है। हाँ जी, तो आप ही इस चीज को उठा रहे हैं, हम तो नहीं उठा रहे, कोई भी नहीं उठा रहे हमारे पास। और मेरा परिवार कैसा है? मेरा आज से 42 सालों से मेरा नेचर कैसा है? अच्छा, मेरे बच्चों का कोई ऐसा नेचर नहीं है जो कि क्राइम का हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आप तहकीकात करिए, सीधी बात है। किसी भी जाँच के लिए आप भी तैयार? मैं तैयार हूँ, मैं अगर स्वच्छ हूँ, साफ हूँ, तो आप जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, आप जांच कर सकते हो। अगस्त में उसका वीजा खत्म हो रहा है, जब वो भारत मुझे कोई लेना देना नहीं है, वीजा खत्म हो या वो खत्म हो।